पत्नी को उसके दोस्त के साथ देखकर पति ने पत्नी पर चलाई गोली। एक दिन पहले हुई इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें पूरी घटना लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रही है। इस मामले में जहां गोली लगने के बाद महिला गंभीर हालत में निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है, वहीं पुलिस ने भी इस मामले में FIR दर्ज करके आरोपी पति को तलाश करना शुरू कर दिया है। ऐसा था कि ये जो सोनिया नाम की लेडीज है, इसका अपने पति के साथ कोर्ट के अंदर तलाक का केस चला हुआ था। तो इस केस के दौरान इसका जो एक मित्र है, दोस्त है, तो रोबिन नाम का, वो उसको मिलने के लिए आई हुई थी। जैसे उसके पति को पता लगा कि उसको मिलने के लिए आ रहे हैं, ये मोटरसाइकिल पे कैंप से जा रहे थे। जैसे उसको पता चला तो उसके पति ने उसका मोटरसाइकिल पे चलते हुए गोली मारी। उसी टाइम उसको वहाँ मौके से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और मौके पे आकर उसकी जो फ्रेंड है उसकी हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, मजिस्ट्रेट साहब को गापा हॉस्पिटल में ला के उसके हमने स्टेटमेंट कराया। तो मौके से गोली मार के फरार हो गए। उसकी जो कंडीशन है बड़ी सीरियस है, अभी सीरियस है बहुत ज़्यादा। मजिस्ट्रेट साहब ने बयान लिए हैं उनके, उसके बाद वो ज़्यादा सीरियस हो गए, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब भी तुरंत गप हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, उनकी रेजिडेंस भी गप हॉस्पिटल से। सिर्फ एक गोली लगी है, दाहिनी साइड से गोली लगी और बाईं साइड से गोली। सबसे जो उसका जो फ्रेंड है जो उसको ले जा रहा था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और उसके मुकदमा दर्ज करने के लिए जा रही है, और एक अलग से पार्टी बनाई गई है उसका, जो जिसने उसके पति ने उसका गोली मारी है उसके लिए पार्टी बना के उसको राउंड अप करने के लिए उसको टीम जा चुकी है। फ्रेंड था वो, उसका तलाक का केस चला हुआ था और वो उसके साथ किसी काम से आ रही थी। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।